हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। ऐसे एक चावल दाल और रोटी भी बनाएंगे और कद्दू का, जिसको लोग बोलते हैं कद्दू, उसका तरवा बनाएंगे। दोस्तों, आरती ने आज रोटी दाल और कद्दू का पकौड़ा बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ कि छोटू को इस दुनिया को गए हुए लगभग 4 महीने से अधिक वक्त हो गया है, लेकिन आरती छोटू को याद करके हमेशा रोती रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आरती धीरे धीरे छोटू को भुला करके किसी भी तरह अपने काम में लीन होना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, छोटू के घर के जितना भी काम है वो आरती धीरे धीरे अपने कंधों पर ले रही है और घर का सारा काम आरती ही कर रही है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आरती जब अपना घर छोड़ करके छोटू के घर पे आई थी तो सबके मन में एक ही सवाल था कि आरती कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी और आरती छोटू के यहाँ कैसे रहेगी, क्या छोटू के पिता आरती को अपने घर पे रखेंगे। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि छोटू के पिता जो है वो आरती को अपने घर पे ही रखेंगे और अपने बड़े बेटे मन्नू के साथ आरती का शादी भी कराएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आरती जो है वो छोटू के परिवार में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है, वो अपने घर पे किसी भी हाल में जाना नहीं चाहती है। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यही था हमारे वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।